अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। चले जी चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज कि हम किस तरीके से घर में लिप टिंट रेडी कर सकते हैं। लिप टिंट रेडी करने के लिए दो कैटेगरी है, लाइक आप एक लिक्विड लिप टिंट रेडी कर सकते हैं और एक क्रीम बेस्ड लिप टिंट रेडी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लिक्विड लिप टिंट किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली सर्दियां हैं, इस मौसम में तो टिंट बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक ग्लोई सी रोजी रोजी सी लुक आती है और हर बंदे का दिल चाहता है कि वो पिंकिश टोन में रोजी लुक उसकी। विंटर्स है, हर बंदे का दिल करता है भाई रोजी सी लुक आए, एक पिंकिश टोन लुक आए, बेबी सी लुक आए। तो उसके लिए भाई जो कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, चले भी किचन गोइंग है, चाहे कोई भी गोइंग है, हर बंदे का दिल करता है कि वो बहुत ही खूबसूरत सा और पिंकिश सा रोजी रोजी सा उसका लुक आए। तो उसको अचीव करने के लिए हम दो तरह के टिंट रेडी करेंगे, लाइक एक क्रीम बेस और देन लिक्विड बेस। चले जी चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। लिक्विड बनाने के लिए, लिक्विड टिंट बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होगा भाई एलोवेरा जेल। आपने जितना बनाया है उतनी ही क्वांटिटी में आप एलोवेरा जेल ले लेंगे। ये मैं एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ज्यादा ले लेती भाई, सर्दियां हैं, लॉन्ग टर्म चलेगा। एलोवेरा जेल ले लिया, ले ली। इसको लेके आपने इतना शेक करना है कि ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से शेक करना है। आ रही है क्रीमी फॉर्म में, ये आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए कोई भी एसेंशियल ऑयल। आपके पास रोज ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, या जो भी ऑयल है आपके घर में, आपने उसको यूज कर लेना। लिक्विड बेस के लिए आपका ऑयल इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं ऑरेंज ऑयल ऐड कर रही हूँ, जस्ट इतना सा, एक पिंच। ठीक है, ये आप 2-3 ड्रॉप्स कर लें, तो मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दिए एंड देन मिक्स। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है, डालेंगे रोज वाटर या कोई भी पानी आप इसमें ऐड कर लें, या कोई टोनर, एनी मिस्ट, आप कुछ भी इसमें ऐड कर लें। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लें। ऐड करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ज्यादा ऐड ना हो जाए। सबसे पहले आपने स्पून में ऐड करना है, देन आपने एलोवेरा जेल में ऐड करना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऐड कर लेंगे तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा और काम खराब हो जाएगा। ये आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपका दिल चाहता है, ठीक है, दिल कर रहा है, जिनको भाई विटामिन ई बहुत पसंद है, आप इसमें एक कैप्सूल ऐड कर सकती हैं, बट मैं ऑलरेडी ऑरेंज ऑयल ऐड कर चुकी हूँ तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। अगर आपके पास कोई ऑयल घर में नहीं भी है तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर लें। अगर आपने कोई ऑयल ऐड किया है तब आप 1 कैप्सूल ऐड करेंगे, ठीक है। बट मुझे ऑयल से ज़रा एलर्जी ही है तो मैं जस्ट ऑरेंज ऑयल ही इसमें ऐड किया है, रोज़ वाटर ऐड किया है, देन एलोवेरा ऐड किया है। अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब जो टिंट बनाने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी फूड कलर। आप कोई भी मार्केट से लिक्विड फूड कलर अगर अवेलेबल है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप पाउडर फूड कलर लें और उससे आप अपना टिंट बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। एक्चुअली आप बीट रूट से भी रेडी कर सकते हैं, बट बीट रूट जो है वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होता, मीन्स उसका स्टेन लॉन्ग टर्म नहीं रहता, बट फूड कलर का जो स्टेन है वो लॉन्ग टर्म रहता है। आपका टिंट ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तो कहीं नहीं हिलता। तो हम थोड़ा सा एक पिंच सा इसमें ऐड करेंगे। ये हमने इतना सा लिया अपने स्पून में, देन हम इसमें ऐड कर देंगे।
थोड़ी सी एलोवेरा जेल इसमें ऐड करूंगी क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही ये लिक्विड ही लग रहा है। आप भी अच्छे से देख लीजिएगा। ओ शिट, ये अच्छे से टिंट हमारा लिक्विड टिंट रेडी हो गया है। मैं आपको इसके स्पॉट चेक करवाती हूँ। आपने इस तरीके से लेना है डॉटेड शेप में, डॉटेड फॉर्म में। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका स्टे बहुत ही लॉन्ग टर्म रहेगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, अभी तो यहाँ लाइट है। मैं आपको विदाउट लाइट भी दिखाती हूँ। ये देखें, विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी फिल लाइट, इसका स्टेन आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको इसका रिजल्ट लाइट में भी दिखा दिया है और विदाउट लाइट भी दिखा दिया। इसका स्टेन ऑलमोस्ट 3 to 4 hours तो ज़रूर रहेगा। बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रहा कि आपने कोई पाउडरी सा प्रोडक्ट इस पर लगाया है। बिल्कुल नेचुरल सी लुक देगा ये आपको। ये मैंने तो बहुत ज़्यादा लगा के आपको चेक करवाया है क्योंकि मोबाइल्स में आपको पता है चीज़ हमेशा मतलब जो मोबाइल है वो कम कैप्चर करता है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा लगा के दिखाया कि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें, कि आप घर में ही ईजिली बहुत अच्छा अफोर्डेबल टिंट रेडी कर सकती हैं। अब हम इसको किसी भी सीरम बॉटल में ऐड कर लेंगे और डेली बेसिस पे इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे क्रीम बेस्ड ब्लश या क्रीम बेस्ड टिंट। वो भी बनाना बहुत आसान है, वो तो बाएं हाथ का खेल है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके कोई भी लिपस्टिक का कलर, कोई भी ग्लोस का कलर, देन आपको चाहिए कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बेस। आप उससे अपना क्रीम बेस्ड ब्लश या आप क्रीमी टिंट बना सकते हैं। लाइक आपने कोई भी लिपस्टिक ली, कोई भी ग्लोज लिया, उसका आपने इस तरीके से स्वॉच लिया, देन आपने अपनी थोड़ी सी इतनी सी फाउंडेशन ली, ये आपने इसके ऊपर ये लिया। फोकस कर ले भाई, इतना खूबसूरत कलर है बट इसमें आ नहीं रहा। मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से सारे, मैं आपको पहले बना लूँ फिर मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। बहुत अच्छा शेड बन के आया। देन आपने कोई लिया वो लगाया इसी तरीके से। ये आपने अपनी लिपस्टिक लिए, पहले मैं इन सबके स्वॉचेस ले लेती हूँ यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लशेस या टिंट हमारे रेडी हो जाएंगे। ये वो अलग कलर बन गया और ये अलग शेड बन गया। ये आप शेड्स चेक करें, लाइट में आपको नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त क्योंकि कैमरे की अपनी लाइट होती है, फिल लाइट होती है, देन ये आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। कितने अच्छे क्रीम ब्लश, ये पीच अंडरटोन में बना है, ये पीच टोन में बना है, एंड देन ये पिंक अंडरटोन में बना है, बिल्कुल बेबी पिंक। मतलब आप कोई भी लिपस्टिक से अपना कोई भी अच्छा सा टिंट या क्रीम बेस्ड ब्लश रेडी कर सकते हैं इसी तरीके से। और लिक्विड ब्लश भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप किस तरीके से फूड कलर से अपना लिक्विड टिंट अचीव कर सकते हैं। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।